बेहोश है ये, पानी निकालो छाती से, थोड़ा दम लगाओ। क्या हुआ राजेश? अरे कोई है, अरे आसपास कोई है, अरे कोई है, बचाओ। स्विमिंग पूल में इस तरह की मौत बड़ा अजीब है। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है अभिजीत। तारिका क्या लग रहा है? सर मुंह में से भी झाग आ रहा है। मुंह में से झाग आ रहा है अभिजीत? तुम्हारा वो जो दूसरा स्टाफर है जिसे हॉस्पिटल ले गए, कैसा है वो? वो बच गया सर। हमने सुना था कि वो इसके मुंह में मुंह लगा के सांस देने की कोशिश कर रहा था। हमने सोचा सर इसको हार्ट अटैक आया। उसके बाद सर मेरा दोस्त बुरी तरह से तड़पने लगा और पूरी बॉडी उसके कांपने लगी सर। सर ये मान लेते हैं कि इसे हार्ट अटैक आया था, मगर जो आदमी इसे बचाने गया था वो मरने जैसा हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर सर हॉस्पिटल से फोन आया था, लगता है वहाँ के डॉक्टर्स का दिमाग खराब हो गया है। क्या कह रहे हो भाई? उन्होंने उस आदमी की जान बचाई और तुम कह रहे हो कि डॉक्टर का दिमाग खराब है? और क्या कहूँ, वो कह रहे थे कि उसने जहर खा लिया। सर क्या हुआ? सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहर मिला ना? नहीं, खाने में जहर नहीं है। कमाल, वहाँ सालुंके ने इतनी ड्रामेबाजी के साथ कहा था कि खाने में जहर है, और अब आप कह रही हैं कि पेट में जहर था ना? हाँ पेट में जहर था, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज में जहर नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको ये जहर आया कहाँ से। यह हथेली देखिए आप, इस पर ये लाल निशान दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ। ये हाइड्रोसाइनिक एसिड की वजह से होता है। मतलब साइनाइड? एब्सोल्युटली साइनाइड। और ये इसके दोनों हाथों पे है, ये देखिए इस हाथ पे। मतलब इसने दोनों हाथों से किसी ऐसी चीज को छुआ जिसमें साइनाइड लगा हुआ था। अब समझे तुम, और गलती से इसने हाथ अपने मुंह पर लगाए और वो जहर इसके पेट में चला गया और इसकी मौत हो गई। बिल्कुल, ये पक्का है? एकदम पक्का है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे? अरे बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, क्या लिख के दूं यार। अभिजीत साइनाइड की जिस चीज पर लगा था जो इसके हाथों पर आया और हाथों से पेट में चला गया और इसकी मौत हो गई। तुम्हारे वेटर ने बताया था कि कॉनराड जब पहली बार बाथरूम से बाहर गए तब उनके हाथ गीले थे, और जब दूसरी बार बाथरूम से बाहर गए तब उनके हाथ सूखे थे। सूखे थे, है ना? तो एक बात बताओ, कॉनराड ने बाथरूम में अपने गीले हाथ सुखाए कैसे होंगे? अरे सर बाथरूम में नैपकिन होता है, उसी से सुखाए होंगे। नैपकिन, है ना, नैपकिन से। तो फिर मिस्टर मैनेजर ये बताइए, ये नैपकिन देखो इसे, ये इतना नया, इतना अनयूज, इतना फ्रेश कैसे है? सर सर यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नया नैपकिन यहाँ कैसे आ गया। आ गया नहीं, बदला गया है। जी हाँ बदला गया है। जब कॉनराड स्विमिंग करने के लिए गया तब उसके एब्सेंस में कोई यहाँ आया और उसने ये नैपकिन बदल लिया, समझे? बदला है ये नैपकिन। डॉक्टर तारिका, यस सर। उस नैपकिन को बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता उठाकर बाजू में रखो और फिर इस रॉड अच्छी तरह से चेक करो, उस पर अभी भी साइनाइड लगा हुआ होगा। जी सर। यस साइनाइड है, समझे? साइनाइड है। वो जो भी आदमी था उसने पहले नैपकिन के रॉड पर साइनाइड लगाया, जैसे उस पर नैपकिन रखा गया तो रॉड का साइनाइड उस नैपकिन पर आया, और फिर जब कॉनराड ने अपने गीले हाथ उस नैपकिन से पोछे तो नैपकिन का साइनाइड कॉनराड की हाथों पर आया, उन्हीं हाथों से कॉनराड ने खाना खाया तो जहर उसके पेट में चला गया और कॉनराड मर गया।
ये सीआईडी वाले घोड़े कब से खरीदने लगे? जब से कॉनराड मारा गया। कॉनराड कौन है? अभी फोन करके बताता हूँ। कौन है ये कॉनराड? अभिषेक, जरा 15-20 कांस्टेबल इकट्ठा करो, पीसी के फॉर्म पे रेड करनी है। रुकिए, मुझे मालूम है कॉनराड कौन है। याद आ गया? हाँ, रुको विवेक, अचानक यहाँ पे ठंडी हवा बहने लगी है। हाँ बताइए। कॉनराड और मैं मिलके घोड़ों की रेस में गड़बड़ किया करते हैं। रेस फिक्सिंग? जी हाँ, जहाँ कहीं भी किसी घोड़े पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है, हम उसे हरा देते हैं। हर जगह? जी। तुम कॉनराड से मिलने गए थे? जी हाँ। वो हर हफ्ते होटल में आकर ठहरता था, मैं उसे 3 करोड़ रुपए भेज देता था। 3 करोड़ हर हफ्ते? जी हाँ, तभी तो वो होटल में आकर ठहरता था। वो आता था, मेरा आदमी उसे पैसे देकर चला जाता था। लेकिन तुमने उसे क्यों फ़ोन किया था? मेरे को अपने पैसे वापस चाहिए थे साहब, जो 2 घंटे पहले मैंने उसे दिए थे। तो वापस किया उसने? किधर किए, पैसे मांगते हैं वो पागल हो गया। मतलब पैसे वहीं पे थे? जी हाँ, पैसे वहीं थे। झूठ मत बोलो, पैसे अगर उसके पास थे तो हमें क्यों नहीं मिले? हाँ, पैसे वहीं थे साहब, ग्रे बैग में। ग्रे बैग में? ठीक है, फिर मिलेंगे। अरे आप ठंडा गर्म तो कुछ भी। अबे विवेक, सुना, रिकॉर्ड किया ना, इस पीसी के फॉर्म पे रेट करो अभी। 3 करोड़ हर हफ्ते? 3 करोड़? इतना सारा पैसा कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ है? उसी के पास, जिसने मिस्टर कॉनराड का खून किया है। ये क्या बात हुई? जी, पैसों की चोरी हो गई और पैसों की वजह से ही खून हो गया है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी, ये देखने के लिए कहीं वो पैसे यहाँ तो नहीं है। मतलब चोरी हम लोगों ने की है? क्या पता। दया, घर का कोना कोना छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सर, यहाँ कुछ उंगलियों के निशान देख रहे हैं। ये देखिए, घर के जिस किसी मेंबर ने भी ये खून किया है या करवाया है, बचेगा नहीं। कौशल को जानते हो? हाँ साहब, जानता हूँ। तो उसके साथ कौन आता था दारू पीने? मैं उसको नहीं जानता सर। कुछ तो मालूम होगा उनके बारे में? हाँ साहब, वो लोग 12 पैक पीते थे यहाँ बैठ कर टेबल पर। 12? ये पैसे कौन देता था? कौशल? वो कहाँ से देगा साहब, वो तो एकदम कड़का था। हाँ, वो दूसरा वाला देता था साहब। हम इस दूसरे वाले को पकड़ना चाहते हैं। सुना तुमने, टेबल नंबर 6 पे बैठ के 12 पैक जो पीता है उसका बिल चाहिए। टेबल नंबर 6 का बिल। हेला सर, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल? एक बिल नहीं मिल सकता सर? नहीं मिल रहा है, एक भी बिल नहीं है 12 पैक वाला। हा? सर आप खुद ही देख लीजिए। इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ बिना बिल के कोई 12 पैक पी गया? जी साहब। बिल नहीं बना और लोग दारू पिए जा रहे, ये सब आप लोग टैक्स बचाने के लिए करते हो क्या? नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? कौशल का कोई ना कोई दोस्त है जो बिल नहीं बना रहा है। यहाँ बिल कौन बनाता है? बस अब हमारा काम हो गया है,
वो आदमी जो कौशल के साथ बैठ के दारू पीता था उसका एड्रेस मिल गया है। बचने वाला नहीं है वो। चलो दया, कहीं खूनी भाग ना जाए। हेलो, जरा संभालो, सीआईडी वाले आए थे यहाँ पर, उन्हें तुम्हारा पता मिल गया है, वो पहुंच रहे हैं तुम्हारे पास। क्या बात है श्रीता, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया फोन करके? अगर मैं तुम्हें फोन करके नहीं बुलाती तो सीआईडी आकर तुम्हें पकड़ लेती। पंकज प्लीज, अब एक काम करो, तुम यहाँ से कहीं भाग जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ। बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, पर मुझे लगता है अब हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि हमें सीआईडी को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। सीआईडी के पास कोई नहीं जाएगा,